जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो था एमसीक्यू क्वेश्चन। किसके जितने भी टॉपिक मैंने अब तक करवा दिए, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट भी हो गया था, हिस्ट्री भी हो गई थी, जनरेशन भी हो गया था, कंप्यूटर फंडामेंटल भी हो गया था, इसके अलावा मेमोरी के सारे कंसेप्ट हो गए थे, इनपुट आउटपुट के सारे कंसेप्ट हो गए थे। बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में एक एक वर्ड का मतलब होता है। ऐसे तो मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा लास्ट में। कल लास्ट क्लास होगी जिसमें मैं थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। लेकिन बच्चों, याद रखना, जब भी तुम पेपर देने जाते हो तो तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम ही है बच्चों, दो तो कट जाते हैं शुरू में ही कट जाते हैं, दो ऑप्शन तो शुरू में ही कट जाते हैं। लेकिन बच्चों, दो में हमेशा डाउट रहता है। तो जब डाउट हो तो आप ये देखो कि सर के मुंह से क्या वर्ड निकला था, किसके लिए क्या वर्ड निकला था, सर ने किसके ऊपर जोर दिया था, उसके ध्यान में रखना। आपको याद रखना बच्चों, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, समझना। एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन लगेंगे आपको, एक एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन लगेंगे आपको। लेकिन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ोगे बार बार तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। करें क्या स्टार्ट? आज बच्चे कम जुड़े हैं शायद। आज गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद बोला करो सुबह सुबह, बढ़िया रहता है बच्चों। जय हिंद बोलने से क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जिसकी मिट्टी को यूज किया है, जिसकी हवा को यूज किया है, जिसके संसाधनों को यूज किया है, जिसने अपन को रहने के लिए जगह दी है, बच्चों सबसे पहले उसी के लिए कुछ बोल दिया करो, उसका शुक्रिया अदा कर दिया करो। ऐसे तो करते नहीं हो, इसलिए जय हिंद कर दिया करो। क्लियर? करें स्टार्ट। फंडामेंटल के 50 वीडियो बनेंगे, उसके बाद नेटवर्किंग लेंगे अपन, फिर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? डीप में चल रहा है ये, बाद में क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, ठीक है? करें स्टार्ट। तो बच्चों, इनपुट आउटपुट के कुछ एमसीक्यू और देखते हैं। देखो, एक तो कल बच्चे कह रहे थे सर डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो ये डिजिटल कैमरा है, देख लीजिए। कल फोटो नहीं थी तो बच्चे कह रहे थे कि सर डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट दोनों होता है, फोटो खींचता है, फोटो को देखते भी है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। क्या आप क्लियर है? एक बच्चे का कल फोन आया था, सर डिजिटल कैमरा क्या होता है, इनपुट होता है या आउटपुट होता है? तो फोटो खींचता है इसलिए इनपुट हो गया, और उस फोटो को दिखाता है इसलिए आउटपुट हो गया। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? एक बच्चा ये कह रहा था सर जॉयस्टिक का डायग्राम आपने नहीं दिखाया, तो ये जॉयस्टिक का देखिए आप। तो बच्चों, इससे वीडियो गेम खेले जाते हैं, ये होल्ड करने के लिए होता है, ये लेफ्ट राइट इस तरीके से चलता है, वर्टिकल स्टिक्स होती है ये बच्चों, क्लियर? या दो बॉल होती है, एक इधर होती है, एक ऊपर होती है, ये जॉयस्टिक है, देखिए आप। कभी खरीदो, वीडियो गेम खेलो, है ना, वीडियो गेम खेलो, पबजी का जमाना है, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। पता नहीं किस तरीके से लाइफ गुजर रही है। नए नौजवानों को देखो आप, कितने कूल होते हैं वो, है ना, कितने कूल होते हैं, वैसे रहो करो, आप टेंशन में जीवन गुजार देते हो। ये जॉयस्टिक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये आपका मॉडेम है। बच्चे कह रहे थे सर मॉडेम बच्चों, क्लियर? तो मॉडेम का क्या काम है? तो मैंने कहा था मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करता है, कोई सिग्नल आता है उसको एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? मॉडेम। ये तो मैं आपको नेटवर्किंग में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, डी लिंक इसकी कंपनी का नाम है। मॉडेम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा नेटवर्किंग के अंदर। लेकिन बच्चों ने पूछा था सर मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। बस अभी तो इतना याद रखो, बाकी नेटवर्किंग में राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, क्लियर? इन सब के बारे में बहुत डीप में बातें करेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेटवर्किंग ही लेंगे बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म होते ही। नेक्स्ट चलिए, क्या है ये मॉडेम है? डी लिंक नहीं है, डी लिंक तो कंपनी का नाम है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ये क्या है? ये टेप टाइपराइटर है, यहां से टाइप करते हैं, यहां से अपना प्रिंट भी निकल सकता है, ये भी इनपुट आउटपुट का काम करता है। जो टाइपराइटर होता है ना बच्चों, टाइपराइटर जो अपन टाइप करते हैं वो क्या होता है? आपका इनपुट होता है बच्चों, क्लियर? कीबोर्ड क्या है? इनपुट होता है। लेकिन जब बात टेप टाइपराइटर की आई, तो इधर ये पहले जमाने में चलते थे, इधर से टाइप करता रहता था, इधर से पेज निकलता रहता था, तो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, इसको टेप टाइपराइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेप टाइपराइटर, क्लियर? कुछ बच्चे कंफ्यूज थे।
कि सर टाइपराइटर आपने इनपुट बताया, टाइपराइटर आपने इनपुट बताया, ठीक है मैंने तो इनपुट ही बताया टाइपराइटर, लेकिन याद रखना एक टेप टाइपराइटर और होता है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों मिक्स होते हैं, इनपुट यहां से देते हैं यहां से पेज निकलता रहता है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नहीं, चलिए आज अपन आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक वर्ड का मतलब उसको समझना। व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर, यानी पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो अलग जितनी भी जनरेशन है उनसे डिफरेंट कैसे थे, फिफ्थ जनरेशन में क्या था बताइए। मैंने जनरेशन पढ़ाई थी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। अब ऑप्शन को काटना सीखो, ये पीजीटी के क्वेश्चन है जो भी मैं लेके आ रहा हूं, आईए के क्वेश्चन नहीं है, ये पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन, उनको ढंग से समझो। एक एक वर्ड का मतलब है, जब तुम टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जाते हो एक एक वर्ड का मतलब है। हाँ जी यहां पर आइए बच्चों, यहां पर आइए एक बार बताओ बच्चों, समझने की कोशिश करना। वो कह रहे व्हाट डिफरेंट डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन। एक तरफ आपको सारी जनरेशन रखनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बच्चों फिफ्थ एक तरफ रखनी है। अब बताओ फिफ्थ कैसे अच्छी है इनसे, चलो एक एक चीज देखते हैं। साइंटिफिक कोड, तो साइंटिफिक कोड तो इनमें ही स्टार्ट हो गए थे बच्चों, इसमें भी थे, तो ये तो आपका गलत हो गया साइंटिफिक कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबको पता है, उसके कंसेप्ट थर्ड जनरेशन में आ गए थे, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आ गई थी, तो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बच्चों। ऑल ऑफ द अबव ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि दोनों गलत है। अब इसको पढ़ो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हर इनसे इन जनरेशन में एक चीज ये कर लीजिए कि इनसे यहां पर जाने पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। एडवांसमेंट का मतलब समझ में आ गया, मैं क्या कह रहा हूं एक एक वर्ड को कैच कीजिए। पीजीटी के क्वेश्चन है, सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, टेक्निकल एग्जाम में जाओगे हर ऑप्शन एक जैसा ही लगेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम इंटेलिजेंट हो तो तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। और इंटेलिजेंसी कैसे आएगी, क्वेश्चन को पढ़ने से आएगी, क्वेश्चन के बारे में सोचने से आएगी। गुरुजी के मुंह से क्या वर्ड निकला था कि सर हाई लेवल लैंग्वेज साइंटिफिक कोड थर्ड जनरेशन में आए थे, निकला था बच्चों। जबकि वो ये कह रहा था एक तरफ चारों रखो और एक तरफ पांचवी रखो, अंतर क्या आया, ना तो ये आया ना ये आया, ये इसमें भी चल रहे हैं इसमें भी चल रहे, ये इसमें भी चल रहे हैं इसमें भी चल रहे, अंतर क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बच्चों टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी, रोबोट बनने लग गए बच्चों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, यहां पर आया है ये वर्ड, जब भी आए फिफ्थ जनरेशन लगा देना। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक कमेंट नहीं आते, सर पेन का कलर थोड़ा डार्क लीजिए, ठीक है ये क्लियर है क्या बच्चों मैंने क्या किया? ठीक है नेक्स्ट चलिए। द ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एसेस्ड, अच्छा एक बार बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डिस्क पढ़ाई थी, डिस्क होती है, डिस्क जो होती है मतलब सिंगल डिस्क यानी प्लेट होती है, जो एक प्लेट होती है उसके ऊपर सरफेस होता है, सरफेस ट्रैक में बटा होता है, ट्रैक सेक्टर में बटा होता है, सेक्टर के ग्रुप से क्लस्टर बनते हैं, ये सब कुछ क्लियर कर लीजिए आप बच्चों क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है, क्वेश्चन की क्लियरिटी को देखना। द ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एसेज्ड विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड हिज, आप बताइए, आप बताओ, द ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एसेज विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड। एक बार बताओ बच्चों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मान लो ये प्लेट है बच्चों क्लियर, ये प्लेट है एक तरीके से, या फिर ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, इस तरीके से लेते हैं अपन। आप बताइए रीड राइट हेड क्या होता है, आगे जाता है पीछे आता है, तो ट्रैक के ऊपर जाता है, हाँ सेक्टर के ऊपर भी जाता है, सेक्टर के ऊपर भी जाता है, ये घूमती है तो सेक्टर के ऊपर भी पोजिशनिंग होगा। तो बच्चों एक चीज ऐसी बताओ जिसको द ट्रैक ऑन ए डिस्क, वो ट्रैक का ग्रुप, आप बताइए ट्रैक का ग्रुप पूछ रहा है, ट्रैक का ग्रुप पूछ रहा है, ट्रैक का ग्रुप पूछ रहा है, ये ट्रैक का ग्रुप पूछ रहा है बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। द ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एसेज विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड, रिपोजिशनिंग ऑफ द रीड राइट हेड, आप बताओ ट्रैक में जाएगा आगे पीछे जाएगा, जाएगा सरफेस पे भी जाएगा बच्चों, इस सरफेस पे नीचे के सरफेस पे तो पोजिशनिंग होगी, लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि जो सिलेंडर होता है उस पर रिपोजिशनिंग होती नहीं। एक सिलेंडर पे मान लो आप ये बोलिए ट्रैक नंबर, सुनना बच्चों ट्रैक नंबर 50,
और प्लेट नंबर 0 और ट्रैक नंबर 50 और प्लेट नंबर 1, समझ पा रहे हो क्या? ट्रैक प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 0 है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है और ट्रैक नंबर 50 और प्लेट नंबर 2। बच्चों इनके पर्टिकुलर ट्रैक मतलब इसी यही ट्रैक मिलकर आपको पता है क्या बनाता है? सिलेंडर। तो बच्चों सिलेंडर में देखिए, आपको ये सिलेंडर चाहिए, मतलब ये ट्रैक चाहिए। तो कॉमन सी बात है, इस रीड राइट हेड की रिपोजिशनिंग नहीं हुई। बाकी आप ट्रैक में जाते हो तो रिपोजिशनिंग होती है, सेक्टर पे जाते हो तो रिपोजिशनिंग होती है, और प्लेट पे जाते हो, सरफेस पे जाते हो तो भी रिपोजिशनिंग होती है। एक सिलेंडर ही ऐसा है जो आप बताइए एक बार गया तो ये पूरे का पूरे को ले लेता है। समझ में आ गया क्या मैं क्या कह रहा हूं? समझने की कोशिश कीजिए। क्लस्टर नहीं कह रहा, क्लस्टर गलत है, क्लस्टर नहीं, द ट्रैक ऑन ए डिस्क, समझना, ट्रैक ऑन ए डिस्क विच कैन बी एसेज विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड। बच्चों वो ट्रैक का ग्रुप क्या है डिस्क के ऊपर जो विदाउट रिपोजिशनिंग, बार बार इसको आगे पीछे नहीं आना पड़ता, पूरा का पूरा एसेज हो जाता है। बच्चों विदाउट रीड राइट हेड को हिलाए पूरा का पूरा एसेज हो जाता है, ऐसा कौन सा है बच्चों सिलेंडर? क्या ये क्लियर है? क्या समझने की कोशिश करना। मान लो आपको आगे जाना है, ट्रैक पे जाना है तो ट्रैक रीड राइट हेड बदला, आपको क्लस्टर पे जाना है रीड राइट हेड बदला। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है स्पिंडल भी घूमता रहता है, स्पिंडल भी घूमता रहता है, तो रीड राइट हेड की पोजीशन बदलती है। केवल सिलेंडर ही ऐसा है जिसमें रीड राइट हेड की पोजीशन नहीं बदलती। क्या ये क्लियर है? क्या सिलेंडर को ऐसे करते वक्त रीड राइट हेड की पोजीशन नहीं बदलती। सिलेंडर किसको कहते हैं? तो प्रत्येक प्लेट के एक पर्टिकुलर ट्रैक को 50 नंबर बिल्कुल। क्लियर है क्या? तो आप बताओ सिलेंडर की संख्या कितनी है जितने की ट्रैक के ऊपर इस सरफेस पर ट्रैक है? सिलेंडर की संख्या कितनी है? तो जितने नंबर्स ऑफ ट्रैक ऑन सरफेस, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ ट्रैक ऑन सरफेस, इसमें कितने सिलेंडर है इस डिस्क में? तो याद रखना अगर 50 ट्रैक है तो सिलेंडर भी 50 बनेंगे। बच्चों क्लियर? हर प्लेट का एक एक ट्रैक, ट्रैक नंबर 50 50 50, सिलेंडर नंबर 50 बनाता है। बच्चों 49 49 49, सिलेंडर नंबर 49 बनाता है, सिलेंडर नंबर 48 बनाता है, ऐसे चलते चलते सिलेंडर नंबर 1 बनाता है। तो याद रखना एक सरफेस पे कितने ट्रैक है? एक सरफेस पे उतने ट्रैक है जितने कि उसमें सिलेंडर है। या फिर ये बोले एक डिस्क में कितने सिलेंडर है, तो याद रखना एक प्लेट उठाना और उस प्लेट पे जितने ट्रैक है उतने उसमें सिलेंडर बनेंगे। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या? अगर तुमने पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको कहा था सिलेंडर को एसेस करते हैं, तो याद रखिए सिलेंडर क्या होता है, हर प्लेट के ऊपर पर्टिकुलर ट्रैक का ग्रुप क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। और सिलेंडर को एसेस करने के लिए रीड राइट हेड को आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही वो आ जाता है। बच्चों क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर आप लोगों के? कमेंट कम आते हैं इस बैच में, वो जुनून नहीं है कि सर ठीक है नई चीज सिखाओ, वो जुनून नहीं है। सरफेस क्या होता है? अनित कौर क्या नहीं जुड़े हो आप? सरफेस किसको कहते हैं? एक प्लेट के दो हिस्से होते हैं, ये प्लेट है, इस प्लेट के एक सरफेस है, एक सरफेस है, ये प्लेटें हैं, प्लेट हर प्लेट के ऊपर दो सरफेस होता है, अपर सरफेस लोअर सरफेस, और हर सरफेस ट्रैक में बटा होता है और हर ट्रैक सेक्टर में बटा होता है। बच्चों क्लियर? और हर प्लेट का पर्टिकुलर ट्रैक उठाइए, हर प्लेट का पर्टिकुलर ट्रैक उठाइए, सबको मिला दीजिए, वो सरफेस कहलाता है। और कितने सरफेस हो सकते हैं डिस्क में? कई बार क्वेश्चन आया है, जितने की एक सरफेस के ऊपर ट्रैक होते हैं उतने ही एक डिस्क में सरफेस हो सकते हैं। अभी भी नहीं आया, नंबर्स ऑफ सिलेंडर इन ए डिस्क, नंबर्स ऑफ सिलेंडर इन ए डिस्क इज इक्वलेंट टू नंबर्स ऑफ ट्रैक ऑन ए सरफेस। बच्चों क्लियर? क्लियर है? अभी भी नहीं आया तो निजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट चलिए। विच पार्ट इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन? आप बताइए विच पार्ट इंटरप्रेट्स, आप इंटरप्रेट्स बोल दो, डिकोड बोल दो, डेटा एसेस कैसे होता है? सुरेश जी का क्वेश्चन है, डेटा एसेस रीड राइट हेड डेटा को उठाएगा। बच्चों क्लियर? याद रखना जब एक डिस्क होती है तो क्लस्टर में डेटा जाता है, और जब आपका पूरा का पूरा क्या होता है हार्ड डिस्क यानी प्लेटर का ग्रुप
बच्चों क्लियर? तो सिलेंडर वाइज डेटा उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है? सिलेंडर वाइज डेटा उठाया जाता है, सिलेंडर वाइज डेटा उठाया जाता है। तो पूरे सिलेंडर को उठा लिया जाता है, पूरे सिलेंडर को उठा लिया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पूरे सिलेंडर को उठा के रेड राइट हेड के पास भेज दिया जाता है। क्या ये क्लियर है? सुनील सिंह जिसने भी पूछा, क्लियर? चलिए यहां पर आ जाओ। विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन? कंट्रोल ऑपरेशन आप बताओ। एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर कोई डेटा आता है, उस डेटा को इंटरप्रेट्स कौन करता है? सीयू करता है। और सीयू उसको पहचान कर एएलयू को बोल देता है कि एएलयू ये काम करो, रजिस्टर में बोल देता है रजिस्टर ये डेटा को होल्ड करो। यानी कंट्रोल ऑपरेशन का काम कौन करता है? सीयू। इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मेरे हिसाब से इसको समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरप्रेट्स ऑफ द प्रोग्राम कंप्यूटर का कौन सा पार्ट करता है? सीयू, जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। और एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन, कंट्रोल ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है? कौन ऑर्डर देता है कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, एएलयू तैयार हो जाओ, इसमें डेटा डाल दो। इसका मतलब ये है कोडिंग डिकोडिंग करता है, कौन करता है बच्चों? कंट्रोल यूनिट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों क्लियर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होता है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इंटरप्रेट वर्ड अलग अलग हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकता है, इंटरप्रेट्स भी हो सकता है बच्चों, क्लियर? लेकिन एक एक वर्ड पढ़ोगे तो क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट, विच एसेट मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टेप? मैंने कहा था कि टेप के ऊपर जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड के रूप में रहता है। बच्चों एक मैंने बताया था टेप, टेप में डेटा कैसे होल्ड होता है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के रूप में रहता है। अच्छा फिर मैंने बताया डिस्क, डिस्क जो होती है उसमें होता है, समझ में आया? जो सरफेस होता है उसके ऊपर होता है क्लस्टर के रूप में। और जब मैंने बताया हार्ड डिस्क यानी ग्रुप ऑफ प्लेटर, तो मैंने कहा था कि यहाँ जो डेटा होता है वो एज ए सिलेंडर होता है बच्चों। क्या ये क्लियर है? क्या याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच एसेज मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड? रिकॉर्ड वर्ड आते ही आगे मैग्नेटिक टेप आएगा, कैसेट टेप। आप बताओ कौन सा मेथड यूज करते हो? बताइए कौन सा मेथड यूज करते हो? सिक्वेंशियल एक्सेस। बच्चों वापस सुन लो, जब टेप की बात चलेगी तो यहाँ जो डेटा है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा, जब कैसेट की बात चलेगी तो यहाँ डेटा क्लस्टर के फॉर्मेट में होगा। बच्चों किसकी बात चल रही है? ये फ्लॉपी, फ्लॉपी, फ्लॉपी की बात चल रही है, डिस्क की बात चल रही है। फ्लॉपी बोलो चाहे डिस्क बोलो चाहे मैग्नेटिक डिस्क बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर किसके फॉर्मेट में होगा? तो क्लस्टर के फॉर्मेट में होगा, क्लस्टर के फॉर्मेट में होगा। और जब मैं बात करूं हार्ड डिस्क या ग्रुप ऑफ प्लेटर्स या डिस्क पैकेट, एक ही बात है, डिस्क पैकेट हार्ड डिस्क, ग्रुप ऑफ डिस्क हार्ड डिस्क। बच्चों क्लियर? तो जो डेटा होल्ड होता है वो एज ए सिलेंडर की फॉर्मेट में होता है। बच्चों क्लियर? सिलेंडर की फॉर्मेट में होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर कर लीजिए। हाँ जी सब पढ़ा दिया, एक बार वीडियो देख लेना, सब कुछ पढ़ाया है। हाँ लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो देखोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू, क्या कह रहा है? सीपीयू का वो कौन सा सेक्शन है? डेट सेलेक्ट इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जो इंटरप्रेट करता है, जो सिलेक्ट करता है, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू डेट सेलेक्ट इंटरप्रेट्स एंड सीज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बच्चों आप सबको पता है क्या है? वो कंट्रोल यूनिट है। क्या ये क्लियर है? अरे वेरी गुड, आंसर आने लग गया। इसका मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ो बस, क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एएलयू क्यों नहीं आया? अरे एएलयू इंटरप्रेटर्स का काम नहीं करता। एएलयू का काम क्या है? अर्थमेटिकल वर्क करना, लॉजिकल वर्क करना, तो एएलयू ऑपरेशन करना, तो एएलयू। लेकिन बच्चों जब बात इंटरप्रेट की आए, सिलेक्शन की आए, एग्जीक्यूट करने की आए, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देने की बात आए, तो आपका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, द सिंबल यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। आप सबको पता है, मैंने कहा था हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी जाती है, और जो असेंबली होता है उसमें कोड होते हैं, और याद रखना उन कोड को मेनोमिक्स कहते हैं। कोड तो सभी में होते हैं, सोर्स कोड भी होता है। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहते हैं। मैंने सी में प्रोग्राम लिखा, सोर्स कोड कहलाता है। मैंने सी में प्रोग्राम लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कहलाता है बच्चों। लेकिन वो सी के प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझता है। तो बच्चों फिर क्या होता है? कंप्यूटर के पास जब वो डेटा जाता है तो किसी कोड में कन्वर्ट होके जाता है। सी तो सी रहती ही नहीं है, जब मेमोरी में जाता है तो सी नहीं जाती। सी का
कन्वर्ट फॉर्मेट जाता है। तो बच्चों कन्वर्ट कौन करता है, तो कंपाइलर होते हैं। ये कंपाइलर जो कन्वर्ट करते हैं, देखना फर्स्ट वीडियो जाके, सी के अंदर जाके देखना, सी भी मैंने पढ़ाई है, कंप्यूटर फंडामेंटल भी मैंने पढ़ाया। तो जो सोर्स कोड होते हैं वो इंग्लिश कोड होते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो यूजर के लिए अच्छी होती है। लेकिन जब बात आए कि सर कंप्यूटर के लिए अच्छी है क्या, अरे नहीं है बच्चों, कंप्यूटर के लिए कहां अच्छी है, कंप्यूटर के लिए तो मशीन लैंग्वेज अच्छी है, 1010 अच्छी है, कोडिंग लैंग्वेज अच्छी है, कोड की लैंग्वेज अच्छी है। सर कोड का मतलब क्या है, कोड हर तरीके के कोड है, मैं बोल रहा हूं ये भी एक कोड है, लेकिन इसको हाई लेवल लैंग्वेज के कोड कहते हैं। एक कोड मेनोमिक्स होते हैं बच्चों, क्लियर, वो क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज के कोड होते हैं, और एक कोड 1010 में लिखे होते हैं, उनको बाइनरी कोड कहते हैं। कोड तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन कौन सा कोड बच्चों, क्लियर, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड, इंग्लिश कोड, वो यूजर ओरिएंटेड है, यूजर फ्रेंडली है। जब वो जाते हैं तो कंपाइलर से होकर गुजरते हैं, मेमोरी में जो जाते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं, मेमोरी में जो जाते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड को दूसरा नाम क्या है, मेनोमिक्स। बच्चों क्लियर है, तो द सिंबल यूज इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड होते हैं उनको मेनोमिक्स कहते हैं। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर तो इन मेनोमिक्स को किसमें चेंज करता है, 1010 में चेंज करता है। कोड क्या होता है, कोड तो सारे ही होते हैं, हाई लेवल कोड बच्चों, मेनोमिक्स कोड, मशीन कोड, ऑल ऑफ द अबव क्यों बोल रहे हो, वो ये कह रहा है असेंबली लैंग्वेज जब लिखते हैं अपन, जैसे फोर्ट्रान में जो कोड लिखते हैं, कोबोल में जो कोड लिखते हैं, पास्कल में जो कोड लिखते हैं, वो सब मेनोमिक्स कहलाते हैं। क्या ये क्लियर है, जो अपन ऐसे लिखते हैं ना, ऐड ऐड करने के लिए, मूव करने के लिए, जंप नोट कैरी, अगर कैरी नहीं है तो जंप कर जाइए, ये सब मेनोमिक्स कहलाते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी मैंने, ये लैंग्वेज लिखी है असेंबली। लेकिन बच्चों आजकल ऐसा लिखता ही नहीं है, आजकल तो अपन प्लस कर देते हैं, ऐड के लिए मूव कर देते हैं, असाइनमेंट इसके लिए जंप नोट कैरी, तो बच्चों ये फेल्स कंडीशन लगा देते हैं। बच्चों ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, जो इस तरीके की लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स और इंग्लिश वर्ड काम में आने लग गए, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर, ये पहले आई, इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता था, और इसको कन्वर्ट करने, इसमें कन्वर्ट करने के लिए 1010 में, इसके कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर होता था, और आजकल की लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर होता है। बच्चों ये क्लियर है, एक कंपाइलर भी होता है और एक इंटरप्रेटर भी होता है, आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन अभी तुम क्लियर कर लो, या फिर सी लैंग्वेज में भी मैंने समझाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। बच्चों क्लियर, क्या ये क्लियर है, ये कौन सी लैंग्वेज है बताइए, कौन सी लैंग्वेज है, अरे जवाब आ जाना चाहिए, ये कौन सी लैंग्वेज है बताइए, ये असेंबली लैंग्वेज है। इन कोड को क्या कहते हैं, अरे वेरी गुड, इस कोड को क्या कहते हैं, इन कोड को कहते हैं मेनोमिक्स। बच्चों क्लियर, ये भी कोड है, ये हाई लेवल है, लेकिन असेंबली के कोड को क्या कहते हैं, मेनोमिक्स, और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड। बच्चों क्लियर, अच्छा मेनोमिक्स नहीं हो तो फिर क्या मिलेगा इसका आंसर, ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, याद रखना, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली कोड, मेनोमिक्स, बच्चों ये सब एक ही बात है। क्लियर है बच्चों, अब तक का क्लियर है क्या, जो भी मैंने आधे घंटे में पढ़ाया, क्या ये सब कुछ क्लियर है आपके, क्वेश्चन कम करो लेकिन क्लैरिटी में करो। ये सारे क्वेश्चन पीजीटी के क्वेश्चन है, पीजीटी एक एग्जाम होता है, उसके जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो मैं सारे करवाता हूँ, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पता नहीं कब होगा, तब तक आपकी क्लास का वादा किया है, जब तक एग्जाम नहीं होगा उसके एक दिन पहले तक क्लास चलेगी, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुमको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 82-85% कोर्स मेरे को कराना है, और मेरी आदत है क्वेश्चन कराने की, टॉपिक पढ़ाओ क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन से क्या आती है, क्लैरिटी आती है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, एनी स्टोरेज डिवाइस, ऑब्जेक्ट कोड कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कोड तो सीयू में क्रिएट होगा साक्षी, ऑब्जेक्ट कोड सीयू में क्रिएट नहीं होगा,
समझ पा रहे हो आप? सीयू तो उसको इंटरप्रेट करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट तो उस कोड को पहचानता है, उसको पहचानता है कि वो कोड क्या है, ऐड है, लेकिन ऐड को पहचानेगा कौन? तो ऐड को सीयू पहचानेगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जो साक्षी ने पूछा कि सर ऑब्जेक्ट कोड तो सीयू बनाता है, नहीं बच्चों, सीयू तो उसको पहचानता है, सीयू तो उसको पहचानता है कि इसका मतलब क्या है। जो कंपाइलर होते हैं उन्हीं का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। क्या ये क्लियर है? जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, बाइनरी बनाने का काम सीयू का है, बिल्कुल। बाइनरी जो कोड, देखिए यह सोर्स कोड होता है, यह ऑब्जेक्ट जाता है, उस ऑब्जेक्ट कोड को सीयू पहचानता है, और सीयू पहचानता कैसे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके पहचानता है, क्योंकि मशीन हमेशा कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करती है। बच्चों क्लियर? लेकिन याद रखना वो सॉफ्टवेयर यूज किसका लेती है, कंपाइलर का यूज करती है, क्योंकि उसके पास हर चीज का बाइनरी कन्वर्जेशन नहीं है, उसके पास हर चीज का बाइनरी कन्वर्ट नहीं है। याद रखना वहां पर भी आपका सॉफ्टवेयर काम आ रहा होता है, सीयू के पास भी, जिसका नाम कंपाइलर है। मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या? वापस सुन लो, सीयू एक हार्डवेयर है, सीयू एक हार्डवेयर है जो पहचानता है किसी भी चीज। तुम तो कल राम दे दोगे, रावण दे दोगे, क्या सीयू सबका बाइनरी बनाना जानता है क्या? तुम तो कुछ भी दे दोगे, ग्राफिक्स दे दोगे, ऑडियो दे दोगे, वीडियो दे दोगे, टेक्स्ट फाइल दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, क्या सीयू सबका बाइनरी बनाना जानता है क्या? अरे नहीं, कुछ दे दोगे तो उसका कंपाइलर यूज आता है। तुम टाइपिंग करना चाहते हो, क्यों वर्ड यूज करते हो बताइए? क्योंकि वो कंपाइलर है उस टाइपिंग का। तुम पीडीएफ फाइल बनाते हो, क्यों पीडीएफ जनरेटर की जरूरत पड़ती है? तुम सी का प्रोग्राम बनाते हो, क्यों सी के कंपाइलर की जरूरत पड़ती है? सीयू डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता उस प्रोग्राम को? इसलिए नहीं ले लेता क्योंकि सीयू सभी कोड के बारे में नहीं पहचान सकता। बच्चों सीयू तो एक हार्डवेयर है जो यूज करता है उस सॉफ्टवेयर को, जो उस पर्टिकुलर सीयू को चलाने का काम करता है। याद रखना मैं आपको फिर क्या कह रहा हूं, कोई भी काम होगा तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मिलकर करेगा। सीपीयू के अंदर सर्किट को चलाने के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं, जो रोम के अंदर होते हैं। याद रखिए जो सर्किट है ना उसको चलाने का काम जरूर, जैसे एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, क्लियर, एनकोडर, डिकोडर, जो ये सर्किट है इनको चलाने का काम माइक्रो प्रोग्राम करते हैं, वो रोम के अंदर होते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आपको, जब आप कंपनी से कोई कंप्यूटर लाते हैं तो रोम के अंदर सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं। लेकिन मान लो कोई आपने अपनी लैंग्वेज क्रिएट की, आपकी लैंग्वेज क्रिएट की, कंप्यूटर पहले आ गया, लैंग्वेज आज क्रिएट हो रही है, तो क्या वो सीयू के अंदर मिलेगा? क्या उसकी कोडिंग सीयू के अंदर मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सर कंपाइल्ड प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड होता है? यस, जो यहां प्रोग्राम होता है वो सोर्स कोड होता है, कंपाइल होके जब वो जाता है तो उसको अपन ऑब्जेक्ट कोड कह देते हैं। और बच्चों जब वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। जाके सी के लिए क्लास देखिए, सब कुछ पढ़ाया था मैंने। यहां पर इनपुट आउटपुट होता है, यहां से आपका प्रोग्राम जाता है, या सोर्स कोड होता है, या ऑब्जेक्ट हो जाता है, और बच्चों ये यहां जाता है या रन होता है तो यह एग्जीक्यूट कोड हो जाता है। बच्चों कंपाइलर यहां भी काम करता है, और कंपाइलर यहां भी काम करता है, इसलिए तो कहा जाता है कंपाइलर इस तरीके से काम करता है। बच्चों इसलिए तो कंपाइलर के लिए कहा जाता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, और मशीन को किसमें चेंज करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। क्या ये क्लियर है क्या? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी कहे डिकोड कोड कौन करता है? सीयू करता है। इंटरप्रेट का काम सीयू, कंट्रोल का काम सीयू, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो याद रखना कंपाइलर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, और किसकी मदद से करता है? सीयू की मदद से करता है। क्या ये सब कुछ क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन है? बी, इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू ए कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन। एक बार बताओ, आप सबको पता है तो मेन स्टोरेज होता है। बच्चों क्लियर, एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू ए कंप्यूटर बियॉन्ड के अलावा द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज कॉल्ड। मेन स्टोरेज के अलावा, मेन में क्या क्या आता है सुन लो, ये सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर, केस, इसका पार्ट मान लिया जाता है, मेन यहां तक होता है। इस मेन मेमोरी के अलावा
ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो जोड़ी जाती है? तो बच्चों फिर तो वो सेकेंडरी स्टोरेज है। बच्चों क्या ये क्लियर है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बैकिंग, देखो फ्लॉपी भी जोड़ सकते हैं, ये फ्लॉपी भी हो सकती है, ये हार्ड भी हो सकती है, हो सकती है, ये पंचकार्ड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बेकिंग। अब बच्चों सही आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर, यही तो पीजीटी है, यही तो टेक्निकल एग्जाम। बच्चों मेन मेमोरी के अलावा कोई भी हो, ये परमानेंट स्टोरेज होता है जो आपकी फाइलों को सुरक्षित रखता है, और जो आपकी फाइलों को सुरक्षित रखता है, जो परमानेंट स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप है, ये सब बच्चों। इसके अलावा और क्या जोड़ी जाती है, कौन सी डिस्क जोड़ी जाती है? मेन मेमोरी के अलावा, ये पूरा मेन पार्ट ही कहलाता है, याद रखिए, क्योंकि मैंने कहा था दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक मेन पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट। मेन मेमोरी के अलावा एनी स्टोरेज डिवाइस बतानी है टू बी कंप्यूटर बियॉन्ड के अलावा, तुम समझ पा रहे हो क्या? द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज के अलावा कौन सी स्टोरेज डिवाइस जोड़ी जाती है? अब बच्चों बताओ, फ्लॉपी दोगे, हार्ड डिस्क दोगे, पंच कार्ड दोगे, या एक ऐसा ऑप्शन बताओ जो इनमें ये सब आ गए? तो बच्चों इसको बोलते हैं बेकिंग स्टोर। बच्चों क्लियर? बेकिंग स्टोर क्या होता है? वे बी आंसर दे रहे हैं, वो गलत है, हार्ड डिस्क नहीं, बेकिंग स्टोर। ये सब जोड़ सकते हो, फ्लॉपी जोड़ सकते हो, हार्ड डिस्क जोड़ सकते हो, पंच कार्ड जोड़ सकते हो, इसके अलावा जिसको अपन पेरिफेरल मेमोरीज कहते हैं, जिसको बेकिंग मेमोरीज कहते हैं। बच्चों क्लियर? ये सब बेकिंग मेमोरी का पार्ट है। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? एक बार कमेंट कर दीजिए। बेस्ट आंसर देना है, बहुत सारे ने हार्ड डिस्क कर दिया। वो ये कह रहा है मेन मेमोरी के अलावा कंप्यूटर के अंदर और कोई भी स्टोरेज होता है उसका नाम बताइए। तो हार्ड डिस्क होता है, बिल्कुल सही है, इसमें गलत कहा है। पंच कार्ड होता है, ये भी सही है, फ्लॉपी भी सही है, तीन तीन ऑप्शन भर के आ जाना, तीन तीन गोले करके आ जाना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अरे इन सबको बैकिंग स्टोरेज कहते हैं। एक बाबू कह रहे मैं तो तीन गोले करूंगा, कर देना तेरी मर्जी है, तीन नहीं तो पूरे चार करके आना। अरे बच्चों तीन नहीं तुम पूरे चार करके आना, चार करके आना फुल। अरे समझने की कोशिश करो, अरे राजा समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं? वो ये कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर एक तो प्राइमरी स्टोरेज होता है जिसको मेन स्टोरेज कहते हैं, उसके अलावा भी एक और स्टोरेज होता है। अच्छा मेन स्टोरेज कहां तक होता है? सीपीयू से लगा के आपके मेन मेमोरी तक। उसके अलावा भी एक स्टोरेज होता है, उसको हार्ड डिस्क कह सकते हो, उसको आप पेन ड्राइव कह सकते हो, उसको सीडी कह सकते हो, उसको डीवीडी कह सकते हो, उनको सब कुछ कह सकते हो, एक शब्द में बोल के बताओ, उनको बैकिंग स्टोरेज कहते हैं। क्यों? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्टोर करने के काम में आते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए काम में आते हैं। क्लियर? मर्जी है चाचा भर दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बच्चों, मैं तो एक साधारण आदमी हूं जो आपको केवल बता सकता हूं। चलेगी तो आपकी, आप चार गोले करके आना या गोले मत करना, ये सब कुछ आपके ऊपर टिका हुआ है। क्लियर बच्चों? आंसर क्या आएगा? बेकिंग स्टोर। चले आगे। अब इसमें समझने की क्या चीज है आप बताइए, आप क्या आंसर दोगे? इस पेन मेमोरी के अलावा और क्या आंसर दोगे? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब आते किस में है? बेकिंग स्टोर। बच्चों मैंने कहा था कि बड़े बड़े सर्वर के ऊपर आपके, आप बताइए, मैं आपका मोबाइल खराब हो गया, आप दूसरा मोबाइल लेने जाते हो, उससे पहले आपकी जो जितनी भी मेमोरी है उसको बैक मेमोरी के अंदर रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? ताकि नया मोबाइल आएगा तो उसके अंदर पूरा डेटा एजिटेज आ जाएगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन चाहे कम कर लो लेकिन इसकी क्लियरिटी रखो, आंसर देने की कला होती है। मेरे क्वेश्चन कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं होते, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पीजीटी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? समझना, यहां पर आइए। विच आउटपुट डिवाइस, वर्ड याद रखिए, वर्ड का ही तो खेल है। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इंटू पिक्टोरियल फॉर्म, कंप्यूटर इंटू पिक्टोरियल फॉर्म, आप बताइए। कंप्यूटर यहां है और उसको पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर बना रहा है, कंप्यूटर ये रहा, पिक्चर में कन्वर्ट करके भेज रहा है। बच्चों ऐसा कौन सा है? एक आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। विच आउटपुट डिवाइस? माउस और कब से? टच पैनल कब से? बच्चों क्लियर? टच पैनल कब से? आउटपुट में भेजने का काम कौन कर रहा है? प्लॉटर। सबको पता चल गया प्लॉटर क्यों है? बच्चों क्लियर? कार्ड पंच बच्चों क्लियर? ये क्यों है, कैसे है, पता नहीं मेरे हिसाब से प्लॉटर, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आए दो बार पढ़ लेना। विच आउटपुट डिवाइस, ऐसी कौन सी आउटपुट डिवाइस है? इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन होती है सबको पता है, फॉर्म ए कंप्यूटर, कंप्यूटर इनटू पिक्चर, पिक्चर 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 पिक्चर
पिक्चर, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल जैसे ही आए वर्ड याद रखना प्लोटा। क्या वर्ड याद रखना है बच्चों? प्लोटा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्लियर? जो कार्ड को रीड करता है वो कार्ड पंच होता है। जब एक अपन स्वेपिंग मशीनों पे जाते हैं, अपना कार्ड निकालते हैं, स्वेप करवाते हैं, वो कार्ड पंच होता है, उसको कार्ड रीडर भी बोलते हैं, कार्ड पंच भी बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, यहां पर आ जाइए। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, आप बताइए, आप बताओ इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को क्या कहते हैं? आपको मैंने सी में बताया था, जितने भी मैंने पढ़ा है वही लिए है। आप बताओ इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ना कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको वर्ड कहते हैं। सबसे छोटा क्या होता है प्रोग्रामिंग में? करेक्टर होता है। उससे बड़ा क्या होता है? वर्ड होता है। अरविंद इज ए गुड बॉय, बच्चों एक ही बार बार लिखता हूं मैं, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। इसको अल्फाबेट कहते हैं, करेक्टर कहते हैं, इसको वर्ड कहते हैं। अरविंद इज ए गुड बॉय, ये इंस्ट्रक्शन है। तुम बस इतना कह के छोड़ दो अरविंद इज ए गुड बॉय, क्या ये प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम का मतलब है किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज आए, प्लस करना है, कैलकुलेटर बनाना है, एड मशीन तैयार करनी है, उसका एक प्रोग्राम है, एड करना एक प्रोग्राम है, एड करना एक प्रोग्राम है। ये लीजिए मैंने लिखा इंटीजर ए बी सी और सी इक्विवेलेंट ए प्लस बी, बच्चों क्लियर? और प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंट डी एंड सी। आप बताओ कितने इंस्ट्रक्शन? एक दो तीन, ऊपर मेन भी होगा, चार। बच्चों ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता? प्रोग्राम कहलाता। याद रखना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई करेक्टर होती है, करेक्टर के ग्रुप से वर्ड बनता है, वर्ड के ग्रुप से इंस्ट्रक्शन बनता है, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप से प्रोग्राम बनता है। कहीं क्लियर आप लोगों के? मैं क्या कह रहा हूं सुनो, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन की जो लिस्ट होती है उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोग्राम कहते हैं। बच्चों क्लियर? एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है? आने वाला टॉपिक यही है, प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट समझाए जाएंगे, आने वाला प्रोग्राम टॉपिक यही है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है। याद रखना, जैसे मान लो एक मान लो मेरे को सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है, तो आप बताइए मैं रोटी कैसे बनाऊंगा? तो मैं स्टेप लिख लेता हूं, क्योंकि मेरे को ज्यादा आता नहीं है, मैं स्टेप लिख लेता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चन्नी लूंगा और आटा ले लूंगा, आटे को मैं छानता हूं। बच्चों आटा छाना मैंने, उसके अंदर मैंने नमक डाला, नमक डाल के मिलाया, फिर पानी डाला, फिर उसको मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद थोड़ी देर और मिलाया, मैंने मिक्स किया और फिर मेरा क्या तैयार हो गया, सांचे बनाए, सांचे बनाने के बाद उसको मैंने जो बेलन होता है उसकी सहायता से उसको फ्लेट कर लिया और फिर मैंने उसको तवे पे डाला और तवे पे डाल के उसको गर्म किया, मतलब जो गर्म हुआ रोटी बनी और रोटी पे घी लगा के मैंने इसको यूज कर लिया। ये क्या है, क्या चीज है ये? ये एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम है बच्चों। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समझ में नहीं आता, तो उनको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, देख ये चन्नी है और ऐसे करना, देखा होगा तुमने हॉस्पिटल में, इधर गए होंगे, ये डस्टबिन है इसमें ऐसे डालना, क्लियर? तो वही एल्गोरिथम जो ही स्टेप थी उनको पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन को एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम कोई पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दे तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्लियर बच्चों? अब प्रोग्राम भी तो कई तरीके के होते हैं, पढ़ाएंगे आपको, आएगा एक एप्लीकेशन, एक यूटिलिटी और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए बनाया, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह वगैरह। अगर विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गाने मत सुनो। वर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, टाइपिंग मत करो, दूसरे में कर लो। बच्चों क्लियर? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन पे इफेक्ट डालते हैं, वो नहीं होगा तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं चलेगी। जितने भी आपके ऐप है, जितने भी आपके ऐप है, ये सब एप्लीकेशन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अगर मान लो फोन पे है तो फोन पे नहीं होगा तो क्या होगा? अरे फोन पे की सुविधा नहीं मिलेगी। गूगल पे नहीं है तो क्या होगा? गूगल पे की सुविधा नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी ऐप है, ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक छोटा फॉर्मेट ऐप है। एक बच्चों होता है यूटिलिटी, आपने गाड़ी खरीदी है बच्चों, वो एप्लीकेशन।
खराब हो जाए तो क्या करें, खराब हो जाए तो क्या करें, नए फीचर आए गए तो क्या करें, आवाज आ रही है खटखड़ खटखड़ खटखड़, क्या करें, मिस्त्री के पास ले जाओ, मिस्त्री खटखट भी कर देगा, कोई नई चीज आ गई तो वो भी जोड़ देगा, कुछ और चीज आ गई तो वो भी ऐड कर देगा, इसको बोलते हैं यूटिलिटी, जो मेंटेनेंस करे उस सॉफ्टवेयर की वो यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क फ्रेगमेंट क्या होता है, डिस्क क्लीनर क्या होते हैं, ये सब यूटिलिटी होते हैं। जो स्पीड बुस्टअप, बुस्टअप प्रोग्राम, स्पीड अप प्रोग्राम, ये सब यूटिलिटी है। कहते हैं आपके सीपीयू है वो गर्म ज्यादा होता है, हीट सिंकर प्रोग्राम, ये क्या होता है, यूटिलिटी होता है। जो आपके इस कंप्यूटर को मेंटेनेंस दे वो यूटिलिटी है। बच्चों क्लियर? तो ये इनबिल्ड होते हैं ऐसे तो, लेकिन अगर इनबिल्ड नहीं है तो भी इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर बच्चों, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं ये सब समझाया जाएगा। अब बच्चों बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो ही मत डालो ना, खूब सारे एप्लीकेशन पेन ड्राइव में लाला के देखो कि ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से मैं ये डाउनलोड कर लूंगा, वो डाउनलोड कर लूंगा। अरे विंडो तो डाल लो, क्योंकि वो सब कंट्रोल किससे होंगी, विंडो से होगी। बच्चों क्लियर? यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, ये सब क्या है, डोस, ये सब क्या है, सब पढ़ाया जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, सब पढ़ाया जाएगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। एंड्रॉइड क्या है, iOS क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये आया सर कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों क्लियर? क्वेश्चन ये आया एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस एप्लीकेशन प्रोग्राम में काउंट नहीं होता, यूटिलिटी प्रोग्राम में काउंट होता है। बच्चों क्लियर? एंटीवायरस, एक बंदा बोल रहा है जगदीश जी एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूटिलिटी, यूटिलिटी। बच्चों क्लियर? जो सुविधा, जो मेंटेनेंस देते हैं, मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस देते हैं, अरे वायरस आएगा तो ये बचा देगा, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वर्ड, वहां यूटिलिटी बोल देना। जब पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप बताओ एंटीवायरस को जॉब करता है क्या, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए काम आता है क्या, नहीं, वो तो मेंटेनेंस देता है। स्पीड बुस्टअप, वो तो मेंटेनेंस दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है आपके कंप्यूटर को, मेंटेनेंस दे रहा है। बच्चों क्लियर है? डिस्क क्लीनर, अरे तो डिस्क को क्लीन कर रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है। बच्चों क्लियर? अब तो समझ में आएगा। डिस्क फ्रेगमेंट, अरे तो मेंटेनेंस दे रहा है बच्चों, डिस्क में जहां अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है। मैं ये आपको अच्छी तरह समझाऊंगा जब डिस्क स्टार्ट करूंगा, और फिर देखना पा। जब मैं डिस्क स्टार्ट करूंगा तो आपको अच्छी तरीके समझाया जाएगा, कंप्लीटली समझाया जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत बड़ा है अपना कंप्यूटर फंडामेंटल। क्लियर? लेकिन जब क्वेश्चन आ गया तो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। बच्चों अब तो समझ में आई क्या होगा, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन। क्लियर? सर बायोस प्रोग्राम किस में आते हैं? अरे बायोस, बायोस, बायोस सिस्टम में आते हैं, सिस्टम में आते हैं। मैंने कहा ना जिसके बिना सब कुछ रुक जाए, किसी के पास एंटीवायरस नहीं है कंप्यूटर नहीं चला रहे क्या, मत कराओ मेंटेनेंस, जब तक चले चलने दो। लेकिन बायोस नहीं, सब खत्म, इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। आदेश कुमार जी आपने बोला सर बायोस किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। सारे कंपाइलर, कंपाइलर नहीं तो कुछ काम हो सकता है क्या, नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, माइक्रो प्रोग्राम्स, ये सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्लियर? सर लाइट पेन का सॉफ्टवेयर किस, अरे एप्लीकेशन, अरे नहीं होगा तो लाइट पेन नहीं चलेगा ना। सोचो जो पर्टिकुलर किसी काम को रोकता है वो एप्लीकेशन, जो मेंटेनेंस देता है वो यूटिलिटी है, और जिसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या बायोस के बिना कल्पना कर सकते हो क्या? क्या बूट स्ट्रैप लोडर के बिना कल्पना कर सकते हो क्या? क्या हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में कौन लाएगा? अरे सोचो, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, रोम के सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों क्लियर? क्लियर है, बाकी आपको समझाया जाएगा, टेंशन मत लो, आज उचित समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, कोडेड ऑफ इंस्ट्रक्शन, द ग्रुप ऑफ करेक्टर वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, सबसे छोटे यूनिट प्रोग्राम की करेक्टर होता है। क्या ये समझ पा रहे हो आप?
सबसे छोटी यूनिट प्रोग्राम की करेक्टर होता है, करेक्टर वर्ड, वर्ड से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम। बच्चों क्लियर, ये ऑर्डर याद रखना ताकि कई बार आएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल वर्ड आते ही दिमाग में हलचल मचानी चाहिए, ऑप्टिकल कहीं पढ़ाया था सर? एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, डेट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क, ऑन पेपर मीडिया इज। नाम बताइए, आप खुद बताइए, खुद बताइए। वेरी गुड, क्या है बच्चों? ओएमआर। बच्चों क्लियर, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड ऑप्टिकल है क्या, मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल है क्या, इन दो में दिक्कत है। लेकिन ये ऑप्टिकल स्कैनर तो बहुत सारे हैं, बीसीआर भी है, एमआईसीआर भी है, ओसीआर भी है, सारे ऑप्टिकल स्कैनर है। फिर गुरु जी अंतर क्या है? तो बच्चों अंतर यह है कि जो इनको इसको रीड करता है, जो ये मार्क को रीड करता है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस डेट इंटरप्ट्स पेंसिल मार्क, पेंसिल मार्क, पेंसिल मार्क, ऑन पेपर मीडिया इज कॉल्ड ओएमआर। अगर यह पेंसिल मार्क की जगह याद आता, बार लाइन, बार लाइन को जो रीड करता है या जो लाइनों को रीड करता है, तो फिर वो क्या हो जाता, बीसीआर। बच्चों क्लियर, एक एक वर्ड का अंतर है, ज्यादा कुछ है नहीं, वो भी ऑप्टिकल है, वो भी ऑप्टिकल है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट। ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज। आप बताइए क्या कह रहा है ये? ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट कंप्यूटर डेटा इंटू सम कोड। कंप्यूटर का ये डेटा है, कंप्यूटर का डेटा मतलब कोई ना कोई कोड है, यहां पर कोई कोड है। सिस्टम अदर देन ए नॉर्मल वन इज नोन एज। बच्चों यहां पर जब ये जाता है, जब कोड यहां पर जाता है, एक प्रोग्राम है डेट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर के डेटा को इंटू सम कोड, सम कोड में कन्वर्ट करता है। सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज। बच्चों उसको अपन कंपाइलर कह देते हैं, कंपाइलर कह देते हैं, इंटरप्रेटर कह देते हैं, इंटरप्रेटर कह देते हैं, असेंबलर कह देते हैं, यही होता है ना, असेंबलर कह देते हैं, यही होते हैं जो आपके सोर्स कोड को कोड में कन्वर्ट करने का, अदर कोड में कन्वर्ट करने का जो काम करते हैं, उनको सबको ये कहते हैं। बच्चों क्लियर। अब बच्चों इनको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को अपन क्या बोलते हैं? तो उनको अपन बोलते हैं एनकोडर्स। मैंने कहा था डिकोडर और एनकोडर, याद रखना, डिकोड करना, पहचानना मतलब क्या है, उनका मीनिंग बदलना, उनके कोड तैयार करना। अब ये मत बोल देना सर इसका कोडिंग आगा, अरे कोडिंग क्या है ये, कोडिंग क्या है, कोडिंग तो बस बाइनरी कोडिंग, डेसिमल कोडिंग, कोडिंग वो होता है, इम्यूलेटर सिम्युलेटर, ये इम्यूलेटर सिम्युलेटर। देखिए अपन सी के अंदर जो प्रोग्राम टाइप करते हैं वो एडिटर पे करते हैं, किस पे करते हैं, एडिटर के ऊपर। एडिटर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जाती है। जैसे ट्रबो सी के ऊपर क्लिक किया, एक स्क्रीन ओपन हुई, उसको अपन क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम करते हैं वो एडिटर कहलाता है, एडिटर कहलाता है, और जहां आउटपुट आता है वो कंसोल कहलाता है। कंसोल मतलब आउटपुट, एडिटर मतलब इनपुट, ठीक है। लेकिन आप बताइए तो बाइनरी लैंग्वेज थे, उनके अंदर तो एडिटर थे ही नहीं, तो फिर क्या थे? तो वहां पर थे इम्यूलेटर और सिम्युलेटर थे। बच्चों इम्यूलेटर और सिम्युलेटर थे, याद रखना, सिम्युलेशन तो एक अलग ही चीज हो गई, ये तो पहले ही कट गया। इम्यूलेटर केवल असेंबली के लिए बोल रहा है। अब बच्चों असेंबली वो ये बोलता है इम्यूलेटर काम में आता है, तो असेंबली लैंग्वेज में काम आता है, तब तो ये ठीक था। लेकिन उसने बोला ये प्रोग्राम डेट कन्वर्ट कंप्यूटर डेटा इंटू सम कोड, मतलब सोर्स कोड को कुछ कोड में कन्वर्ट करता है, अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं बोला। अगर वो एडिटर बोलता, कंपाइलर बोलते, इंटरप्रेटर बोलते, एडिटर बोलता तो अच्छा, वो अगर इम्यूलेटर बोलता तो यह आता, इम्यूलेटर बोलता तो यह आता। लेकिन उसने तो ये बोला है कि इन सबको क्या कहते हैं, कंबाइंड करके, तो उसको एनकोडर कहते हैं। बच्चों क्लियर, एक बार ये कंप्लीट कर दूं। अगर वो ये कहता कि सोर्स प्रोग्राम के अंदर, सॉरी प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जब सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो एडिटर, एडिटर कहते हैं।
वो ये पूछता असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्यूलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूलेटर कहते हैं। अगर वो ये कहता कि जो ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कहते हैं। आपसे ये पूछा है कि जो इनको कन्वर्ट करता है उनको क्या कहते हैं, तो आंसर आपके तीन होते, इनमें आंसर आपके तीन होते, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीन में से आंसर देना, क्यों? क्योंकि आपको वो ये पूछा है कन्वर्टर को क्या कहते हैं, कहां लिखते हैं, ये नहीं पूछा कन्वर्टर को क्या कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कन्वर्टर्स कहते हैं, उनको एनकोडर्स कहते हैं, उनको डिकोडर्स कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? एनकोडिंग डिकोडिंग दोनों काम करते हैं, ये तो आपको पता है, क्लियर। ये सीयू के साथ मिलकर काम करते हैं, सीयू एक हार्डवेयर है और आपके जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ये सॉफ्टवेयर है। जानते हैं, क्लियर। अब बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ये नहीं बोल सकते इंडिविजुअल, ये नहीं बोल सकते, तो इनको कंबाइंड करके अपन क्या बोल देते हैं, डिकोडर एंड एनकोडर। क्लियर बच्चों, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एडिटर क्या है फिर? अभी बताया मैंने, सोर्स कोड को जहां लिखा जाता है और जहां असेंबली कोड को लिखा जाता है वो एम्युलेटर, और सोर्स कोड को जहां लिखा जाता है वो एडिटर, और सोर्स कोड का जहां आउटपुट आता है, आउटपुट कहीं भी आए, किसी का भी आए, आप मेरे को देख रहे हो ना, इसको कंसोल कहते हैं। जहां देख रहे हो मेरे को, मैं कंसोल, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये सब कंसोल पे दिखाई दे रहा आपको। क्लियर है? समझ में आ गया? और जब आप टाइप करते हो तो वो एडिटर पे आता है बच्चों। क्लियर? स्क्रीन के दो पार्ट, नेक्स्ट। स्क्रीन के दो पार्ट होते हैं, एक एडिटर और एक कंसोल। चलिए यहां पर आ जाइए, ठीक है। ए लैंग्वेज विच इज क्लोज टू डेट यूज विद इन द कंप्यूटर, ए कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के बहुत नजदीक है, बताओ। इंसान के नजदीक हाई लेवल, कंप्यूटर के नजदीक मशीन लेवल। बच्चों क्लियर? आप बताइए, हाई लेवल नहीं, ये तो इंसान के नजदीक, असेंबली ये भी इंसान और मशीन दोनों के नजदीक है, लो लेवल ये मशीन के नजदीक है, लो लेवल जिसको अपन 1010010 ये बोलते हैं। देखो बच्चों, लैंग्वेज होती है दो तरीके की, एक हाई और एक लो। ये क्या है लैंग्वेज, सुनना। अब लो भी दो तरीके की होती है, असेंबली भी लो में ही आती है और मशीन भी लो में ही आती है। बच्चों के लिए, लो भी दो तरीके की होती है। अब बच्चों बताओ इसका आंसर क्या है, ये क्या है? लो किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर के नजदीक है, जो कंप्यूटर के नजदीक है उसको लो लेवल कहते हैं। हाई किसको कहते हैं, जो यूजर के नजदीक है। अब बच्चों यहां पर आओ, ए लैंग्वेज विच इज क्लोज डेट यूज विद इन द कंप्यूटर इज, ए लैंग्वेज विच इज क्लोज टू डेट यूज विद इन द कंप्यूटर इज। हाई लेवल तो नजदीक नहीं है कंप्यूटर के, असेंबली, असेंबली चलेगा। लो लेवल, तो लो लेवल इसका बेस्ट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही असेंबली और मशीन दोनों इसी में आ गई। लेकिन अगर मान लो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो आपको आंसर ये देना है बच्चों। क्लियर? क्यों देना है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही 1010 लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है क्या? अगर कोई ये कह दे कि इनमें से आंसर दो असेंबली, दूसरा देते लो लेवल, तीसरा देते मशीन, तो मशीन के नजदीक कौन सी लैंग्वेज है बच्चों, मशीन, ये आंसर सही है। लेकिन अगर मशीन नहीं है और असेंबली लो में से बात करें तो आंसर लो देना है, क्यों? क्योंकि लो के अंदर ये दोनों ही आ गए, लो में ये भी आ गए, इसलिए मशीन। बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? समझ लो, सीपीयू किस पे काम करता है, इस पे काम करता है, मेमोरी में ये होती है, मेमोरी और सीपीयू मिलके कंप्यूटर कहलाता है। बच्चों क्लियर? ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। क्या ये सब कुछ क्लियर है आपके? ये इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का, और बच्चों ये आपका इनपुट आउटपुट वाला है, इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम। हाँ जी, क्लियर। हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट आउटपुट में दिखाई देती है, कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की लैंग्वेज दिखाई देती है, मेमोरी में असेंबली दिखाई देती है और मशीन सीपीयू के पास दिखाई देती है। सीपीयू में एंट्री करती है, मशीन में कन्वर्ट हो जाता है, 1010 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मशीन, बच्चों लो लेवल भी आए, मशीन भी आए तो मशीन देना, लेकिन अगर लो लेवल और असेंबली आए तो लो लेवल देना, क्यों? क्योंकि लो इसको रिप्रेजेंट करता होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पीट्स,
पिट्सोलैंड कहां पे आए थे बताना, कौन सी मेमोरी में आए थे? पिट्सोलैंड कौन सी मेमोरी में आए थे बताइए आप? पिट्सोलैंड कौन सी मेमोरी में आए थे? विच ऑफ द फिल्म कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन द मेटल डिस्क? मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, उसके ऊपर ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर पिटो लेंस बनाए जाते हैं। बताइए कौन सी मेमोरी में आए थे? लेजर डिस्क, जिसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं क्यों? क्योंकि एक लेजर लाइट आती है, सबको पता है, यहां से टकराती है, पिटो लैंड के ऊपर जाती है। लैंड जो होता है वो वन होता है और जो पिट होता है वो जीरो होता है। बच्चों क्लियर? ऐसे याद करना, जब इसमें से घुस के वापस जाती है तो एक फिक्स टाइम के ऊपर वो नहीं पहुंच पाती है तो रेड जीरो होता है, और लैंड पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाती है और रेड वन होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? लेजर डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। नाम बहुत होते हैं ना, नाम बहुत होते हैं। टेक्नोलॉजी में यही तो प्रॉब्लम है, एक ही चीज के हजारों नाम होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशन इनटू कोडेड करेक्टर एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर। हैंड रिटन में लिखता जा रहा हूं, एक बंदा देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, बोर्ड के ऊपर पढ़ता जा रहा है, कनेक्शन कर दिया, हैंड रिटन लिखता जा रहा हूं, यहां पर पहुंच रहा है। ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशन इंटू कोडेड करेक्टर एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स टू इनपुट टू ए कंप्यूटर इज टच पैनल। अरे टच पैनल तो टच करते हैं, फोल्डर ओपन हो गया, ये हो गया, ये टच पैनल है। माउस नहीं, नहीं, हैंड रिटन इंप्रेशन बैंड नहीं, राइटिंग टेबलेट होता है। कल भी मैंने बताया था, राइटिंग टेबलेट बोल दीजिए, ग्राफिकल टेबलेट बोल दीजिए, चाहे डिजिटाइजर बोल दीजिए, सब एक ही बात है बच्चों। क्लियर? आजकल लोग यही कर यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। क्लियर बच्चों? ये पूरा एक कंसेप्ट है। कल कल क्वेश्चन और लूंगा, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कल कल और लूंगा, फिर लास्ट में लेंगे। क्लियर बच्चों? हाँ जी, इसके आगे क्या चलेगा? सॉफ्टवेयर चलेंगे, हार्डवेयर चलेंगे। अभी तो हुआ क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी हार्डवेयर है, जितने भी कंप्यूटर आए, क्लियर, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम, ये सब कुछ चलेगा। क्लियर? अभी तो दो ही तो पार्ट हुए हैं, वो इतने ही वीडियो और बनेंगे, लगभग 40 वीडियो और बनेंगे, लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्लियर? ठीक है बच्चों। अच्छा एक मिनट सुनो, एक तो बच्चों जो डाउनलोड करके वीडियो देख रहे हो ना, उसमें दिक्कत आ रही है, तो एक या दो दिन में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वो सर्वर की प्रॉब्लम है ना। तो आप जो बार बार कॉल कर रहे हो, हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, एक दो दिन में आपको करा देंगे। हाँ, कोई भी डाउट हो तो क्लास में पूछ लिया करो, रोज इतने कॉल करोगे तो मैं बावला हो जाऊंगा और मेरी टीम छोड़ के भग जाएगी यहाँ पर। रोज 50 कॉल आ रहे हैं, 50-60 कॉल आ रहे हैं कि सर वो एक वीडियो था वो नहीं चल रहा है, यही पूछ लिया करो, है ना, कि सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है क्या? अगर प्रॉब्लम होगी तो सभी बच्चों की हो रही होगी, एक के तो होगी नहीं। सर्वर ये थोड़ी पहचानता है कि ये रामेश्वर जी है, इसके गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम हो रही होगी तो सभी की हो रही होगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई प्रॉब्लम हो रही होगी तो सभी की हो रही होगी। कल 50 कॉल आए और एक ही वर्ड बोला, सर मेरा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, थोड़ा समझो कि प्रॉब्लम हो रही होगी तो सभी की हो रही होगी, आपके नहीं हो रही होगी। ठीक है,